क्या किया आपने अफवाज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक मैं समझता हूँ कि हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमें ईस्ट से हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और 47 से है। एक हमारी पड़ोस में पड़ोसी जो है मुल्क, उसने रिकनसाइल नहीं किया है कि हम एक थॉर्न इन द साइड बने रहें। वो हमें डोमिनेट करना चाह रहे हैं, वो हमें सबमिट करवाना चाह रहे हैं, विच वी विल नॉट, वी मस्ट नॉट। तो इसलिए हमारे पास आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें आर्मी के लिए क्या किया हमने? नाउ ये जो अल खालिद टैंक है, मेरे से पहले शुरू हुई थी, लेकिन लेट मी टेल यू, जब मैं आया तो ये बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे थी और रिजेक्ट हो रही थी, क्योंकि पावर पैक इसका बड़े मतलब कमजोर प्रॉब्लम थी। रिवाइव करवाई, इशू करवाई दी, पूरी आर्मी में अल खालिद टैंक है, दुनिया का बेहतरीन टैंक है। फिर इसमें ATGM मिज़ाइल्स, सरफेस टू एयर मिज़ाइल्स, ये हमने इंडक्ट किए आर्मी में, और दीज वर द मेजर ब्रेक थ्रूज इन द इन दैट आर्मी। टेक्नोलॉजी बिल्कुल फॉर द आर्मी। दिया गया आर्मी के लिए। उसके बाद हमने एयरफोर्स को GF-17 वो दिलवाए, इनॉग्रेट हुए, ठीक है ना। एवैक्स लिए हमने, एवैक इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी डेप्थ कम है। हिंदुस्तान का एयरक्राफ्ट आता है वो सीधा हमारे सरगोधा पहुंच जाता है जब हम हवा में उड़ते हैं। एयरक है, हम जब जहाज उसके एयरपोर्ट से उठेगा तो हमें पता हो जाएगा, हम उसे बॉर्डर पे पकड़ेंगे उसे, हो सकता है इंडिया ही में पकड़ लें उसे। तो ये कैपेबिलिटी हमने दी है। तो ये हमने की, एयरफोर्स को दी, नेवी को फ्रिगेट्स, E-3C ओरायन जो वो अटैक जी जी में वो जो तबाह हुए इधर वो कराची में। एंटी सबमरीन रोल है, और उनकी इतनी डेप्थ है, वो इतनी उनकी एंड्योरेंस है कि हिंदुस्तान अगर हमारे पे अटैक हो, वो मिडल ईस्ट से होते हुए चले जाएंगे बॉम्बे उनके पीछे, इतनी एंड्योरेंस। तो ये सारी हमने दिलवाई, ये सारा। दूसरा न्यूक्लियर एंड मिज़ाइल, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, मेरे आने से पहले दो टेस्ट हुए थे सिर्फ ये वॉरी मिज़ाइल के, दो सिर्फ, और दोनों चले। मैं उसकी बात छोड़ चले, दे देता हूँ डिडंट जो, डू परफॉर्म एज लेकिन वेल। उसके बाद तमाम मिज़ाइल, हर मिज़ाइल टेस्टेड, टेस्टेड फॉर कोल्ड टेस्ट हुआ हुआ, मीनिंग ठीक दैट है। न्यूक्लियर अगर हुआ तो चलेगा। एयर बर्स्ट, ग्राउंड बर्स्ट विथ परफेक्ट 0.01 एक्यूरेसी, ये सारे टेस्टेड हैं। और न्यूक्लियर, फिर हमारे पास है, वी आर ए न्यूक्लियर पावर, वी हैव गॉन फॉरवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारे साइंटिस्ट, क्योंकि हमने एक 7 साल का प्रोग्राम बनाया था डेवलपमेंट का, उसको एग्जीक्यूट किया गया है। हमारे साइंटिस्ट केपेबल हैं तमाम मिज़ाइल बनाने और न्यूक्लियर, वी डोंट नीड असिस्टेंस फ्रॉम एनीबडी। सर मैं आऊँगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बट न्यूक्लियर पे मैं एक बात पर। हमारे यहाँ दो ग्रोह हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। एक जिसे मजीद निज़ामी साहब हेड करते, वो कहते मुझे बांध दो बम के साथ, मुझे दिल्ली पे फेंक दो। हाँ दूसरा वो है कि हमारे में डेप्थ ही नहीं है टू सेंड ए न्यूक्लियर वेपन बिकॉज इट ऑल कम बैक। ये न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए है कि दिखावे के दर्शनी पहलवान है? हाँ ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। नहीं देखें, न्यूक्लियर एज वेल एज आर्म फोर्सेस, आई वुड से हमारी स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी ऑफ डिटरेंस है। डिटरेंस उस लेवल के हमने फोर्स रखी हुई है, लेकिन डिटरेंस जो है वो सिर्फ पोजेशन ऑफ फोर्स नहीं है, वो विल टू यूज़ द फोर्स है। दुश्मन को पता होना चाहिए कि ये पागल है, कि ये ये मार चला डालेगा, देगा, ये चला चला देगा, देगा। अच्छा वो डिटरेंस है अच्छा ना। उसको चलाना मतलब न्यूक्लियर इस्तेमाल करना तो सोच भी नहीं सकता है कोई, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका इफेक्ट हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई है। पहले उनकी स्ट्रैटेजी बहुत, वो और बात है कि हम उन्हें करने नहीं देते वो, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी हम डेप्थ में जाकर हमें दो में डिवाइड करना, हमारी तो डेप्थ नहीं है ना, रेलवे लाइन जीटी रोड पे गुजरा पहुंच जाए। वाले आ जाए, हाँ मोटरवे को कट कर दे। हाँ ठीक है ठीक। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी की तब्दीली कि नहीं, शॉर्ट रहेंगे, वहां तक गए तो ये पागलपना ना कर जाए कहीं। और हम हैं वैसे ऐसे कि चलाने के मुसलमान है, खून गरम है। देख मैं एक और एक सवाल, दो सवाल इस पे और निकलते हैं। एक जरा मुल्क के लिए इमोशनल है, दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि फौज क्या आप कहते हैं कन्वेंशनल वॉर 5 गुना बड़ी है हमारे से फौज।
तो क्या हम कन्वेंशनल वॉर हम क्या लड़ सकते हैं? तो हाँ जो 5 गुना फौज बड़ी होती है वो सारी की सारी बॉर्डर पे आ जाती है एक ही दफा. नहीं नहीं व्हाट नहीं इज दी व्हाट इज दी हाँ थियरी बिहाइंड दिस? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ग्रेट जनरल्स, ग्रेट विक्ट्रीज, ग्रेट मिलिट्री हिस्ट्री के कैंपेन्स, वो ग्रेट स्टडी क्यों करते हैं? छोटी फोर्स ने बड़ी फोर्स को मारा, ठीक है ना, विद सुपीरियर स्ट्रैटेजी. बड़ी फोर्स ने जब छोटी फोर्स को मारा, उसको कोई स्टडी नहीं करता. हमने मिलिट्री हिस्ट्री बहुत पढ़ी, वो जब माना बस क्या यार, 4 गुना हुआ तो मार दिया तुमने, क्या तीर मार ली तुमने. अगर मॉन्टगोमरी वर्सेस रोमल नॉर्थ अफ्रीका में रोमल की विद्रॉल स्टडी होती है, छोटी सी फोर्स, वो द डेजर्ट फॉक्स, 6-10 गुना फोर्स को उसने रोक के मार मार के ठीक करता रहा. मॉन्टगोमरी ने क्या कमाल किया भाई, तुम 10 गुने थे, तुमने उसको डिफीट किया, वो भगा दिया, तो क्या फर्क पड़ता है. तो दैट इज द वन थिंग. तो हमें एक सुपीरियर स्ट्रैटेजी, द वॉर इज बैटल्स आर वन थ्रू टैक्टिक्स, वॉर इज वन थ्रू सुपीरियर स्ट्रैटेजी. नाउ उस स्ट्रैटेजी में फोर्स एलिमेंट्स जो होते हैं उसके टाइम, रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड स्पेस, ये तीन एलिमेंट्स की मैनिपुलेशन है कि कैसे आप अपनी फोर्स को सही टाइम पे सही जगह मूव करके एक दुश्मन की फोर्स को, छोट दुश्मन की बड़ी फोर्स को छोटी फोर्स से मारना, तो वगैरह. वो ये तो सुपीरियर स्ट्रैटेजी से आप ये करते सो हैं. 5 टाइम्स इज नो लॉन्गर है इश्यू, नहीं बट इज नॉट समथिंग कि हमारी नींदें खराब हो जाएं तो नहीं पाना. नॉट एट ऑल. और दूसरा ये है कि ऑफेंसिव जो करता है ना, उसको कम से कम 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए टू सक्सीड. ये मिलिट्री हिस्ट्री का है ठीक ठीक थ्री टू जो, वन तो हमने वो रेशियो रखा हुआ है कि इनसे इनको जो सुपीरियॉरिटी है ऑफेंसिव में, हम ऑफेंसिव नहीं कर सकेंगे, हम काउंटर ऑफेंसिव करेंगे. जब इनको आने दो फिर हम अपना काउंटर स्ट्रोक डालेंगे, मतलब वो दैट इज़ व्हाट इज स्ट्रैटेजी. तो ठीक है ये, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जितनी भी हम वॉर गेमिंग करते हैं, अगर सुपीरियर स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इंडिया को इंशाल्लाह, इफ़ वी आर वर्थ आर सॉल्ट, डिफीट करेंगे नाउ कन्वेंशनली, न्यूक्लियर कन्वेंशनली बगैर. न्यूक्लियर के बगैर भी. बिल्कुल. नाज़रीन, मुझे इशारा हुआ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है. गुफ्तगू गर्मा गर्म इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा अच्छी हो गई. प्लीज स्टे विद अस. वेलकम बैक. हमारे साहब का सदर से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, उन्हीं के घर बैठा हुआ हूँ और ये सिलसिला भी जारी रहेगा. ज़रा गौर से सुनिए, मैं भी गौर से सुन रहा हूँ, आप भी गौर से सुनिए. न्यूक्लियर जो हमारी कैपेबिलिटी है, उस डॉक्टर कदीर खान साहब उसके क्रेडिट लेते हैं, हालांकि समरकंद साहब और कहते हैं जनाब क्या बात करते हैं. कई लोगों का ख्याल है कि आपने उनको रिमूव करके उनको ऑनर नहीं किया और आजकल वो आपके खिलाफ बहुत बातें करते हैं. क्या वजह थी आपकी नजर में, उस वक्त क्या हालात थे? क्योंकि मुझे तो लगता था कि उस वक्त अमेरिका कहते हैं हमारे हवाले करो, ही इज सेलिंग सीक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जी यस, ये देखें, ये पाकिस्तान के हीरो हैं, मेरे हमारे भी हीरो थे, मैं भी समझता था ग्रेट टिल सच टाइम. मैं इन्वॉल्व हुआ 99 में जब मैं चीफ बना, उसके बाद जब मैंने देखी चीज़ें, एक तो वो जो 2 मिसाइल टेस्ट हुए मेरे से पहले, आने से पहले, वो इनके कारनामे थे. जो वो सारा जो गड़बड़ हुई थी वो ठीक सारे दूसरों ने किए, समर मुबारक मंद इंक्लूडेड. न्यूक्लियर की ये बने हुए हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब. बॉम्ब. देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब के कई स्टेजेस होते हैं. पहाड़ से यूरेनियम निकाला गया, उसे UF6 गैस बनाई गई कंटेनर्स में. कदीर साहब का कोई रोल नहीं है उसमें, दूसरे साइंटिस्ट कर रहे हैं. उसको लाया गया और उसके सेंट्रीफ्यूजेस के थ्रू एनरिचमेंट की गई, इनका रोल है. ये मेटलर्जिस्ट हैं, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, हमें यूरेनियम एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी ये लाया. अब आगे एनरिच यूरेनियम आ गई, भूसा है, भूसे की तरह पड़ी हुई है, उसको बॉम्ब बनाना इनका काम नहीं है, ठीक है, दूसरों का काम है. बॉम्ब बन गया, वो शॉर्टपट की तरह है, बिल्कुल मैंने हाथ में लिया हुआ है वो भाई, शॉर्टपट है वो, हम फेंको फटेगा थोड़ी. उसको ट्रिगर मैकेनिज्म चाहिए एक, उसके लिए जो एक्सप्लोड हो और इसको इसकी एक्सप्लोजन करे, वो ट्रिगर मैकेनिज्म बहुत हाई टेक्नोलॉजी है. और अगर आपकी
कमज़ोर टेक्नोलॉजी है, तो वो इतना बड़ा होगा जितना ये कमरा है, उतना बड़ा उसके अंदर वो कोर होगा। अब इसको पूरे को कहाँ लेकर जाओगे यार, किस जहाज़ में जाकर जाओगे? पैदल तो नहीं जा सकता ना ये दिल्ली तक, इसको छोटा कंप्रेस करना, छोटा ताकि मिसाइल में लोड हो, लोड करना है ना, मिसाइल में डालना है ना, मिसाइल की चौड़ाई इतनी है तो इतना ही होना चाहिए। और अगर इसको और छोटा कर दें, हमारे पास गने हैं 8 इंच है, 8 इंच, अब अगर इसको 7 इंच कर दे तो उसमें डाल, वो टैक्टिकल बॉम्ब बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोई कदीर साहब जानते हैं, दूसरे लोग करते हैं, ठीक है ना। फिर ये मिसाइल डेवलपमेंट डिलीवरी सिस्टम कदीर साहब की नहीं है। तो मैं ये बताऊं कि सारे साइंटिस्ट ने बहुत, हमें वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर साइंटिस्ट, बहुत ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन कदीर साहब ने, अगर ये कहते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ ये सारी चीज़ें, बिल्कुल गलत है। दूसरों इनका एक एक सेक्शन इनका एनरिचमेंट वाला इनका है, बाकी दूसरों का है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने प्रोलिफरेशन की, जितनी बड़ी मुझे एम्बेरसमेंट इसकी वजह से उठाएगी, मेरे ख्याल में अगर कोई मेरे से पूछे कि वैन वर यू मोस्ट एम्बेरस्ड, इट वॉज वैन आई वॉज शोन, मैं कहता फिर रहा हूँ कि नहीं, हमारे तो हमने बड़ा कस्टोडियल कंट्रोल किए हुए हैं, कोई कोई नहीं यहाँ निकलेगी यहाँ से टेक्नोलॉजी। तो जब ये सारा कहलवा दिया तो मेरे सामने एक फाइल रखी गई कि ये ज़रा प्रेसिडेंट साहब इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू लुक एट दिस, वो देखा तो मेरे पसीने, वो उधर सारे सिग्नेचर्स लगे हुए, KRL के तस्वीरें बनी हुई हमारे सेंट्रीफ्यूजेस, ये इन्होंने, इनके जो एक एजेंट थे वहाँ, वो डबल एजेंट बने हुए थे, कोई श्रीलंकन था, ये इन्होंने लीबिया से भी निकले, ईरान से भी निकले, इतनी एम्बेरसमेंट ये इन्होंने की है। अब ये हज़ार कहते रहे, पता नहीं क्या फजूल किस्म की बातें करते हैं या सारी सारी गलत बातें करते हैं। किस हद तक प्रेशर था उस वक्त आप पे अमेरिका का था? कि भाई ये न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेटर है हमारे हवाले करो। बिल्कुल था, दे वांटेड, यस। मैंने तो, मुझसे तो ये मेरे खिलाफ लिखते हैं, मैं कहता हूँ मैंने तो इन्हें बचाया, ही शुड बी थैंकफुल टू मी, मैंने इनको बिल्कुल, मैंने इनको छोड़ के रखा हुआ घर में, सिक्योरिटी भी दी हुई थी, और ये कोई हाउस अरेस्ट में नहीं थे, ये भी गलत अगर कोई कह रहे हैं, ना गलत कह रहे हैं, ही वॉज अलाउड टू गो एनी वेयर एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड फॉर हिज ओन सेफ्टी, वरना कोई उसको उठा कर ही ले जाता वहाँ से। आई मीन ही शुड बी ग्रेटफुल टू मी, क्या कहे आदमी, एक आदमी है, ये मीडिया सेवी है, मीडिया में घुस के आगे पीछे बोल, पाकिस्तानी हम लोग इमोशनल लोग हैं, सोचे समझे बगैर बस एक चल रहे हैं, यकीन कर लेते हैं, यकीन कर रहे हैं।